तो मैच की शुरुआत हम पर विलास यादव फैज रईस और आशीष कल्पेश पहला ओवर लेकर बिलाल शेख के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बात ही बैट फुट पे चले गए। खूबसूरत स्ट्रोक कारपेट के सारे खेला एक रन बना दूसरे के लिए निकल पड़े। अब जाके गेंद को उठाया दो रन आसानी से इस वक्त हमारे कमेंटेटर मजर खान के उमर खान और मिजान खान भी इस वक्त हमारे बीच में प्रिंस आपका भी हार्दिक स्वागत है और कमेंट्री के लिए आ रहे हैं मजर खान। इस बार ओवर पिच गेंद थी और उसको लंबा हिट लेना चाहते थे बिलाल। तीन रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त महेंद्र स्पोर्ट्स। इस बार विकेट में खिलाया इस गेंद को धीमे बल्ले से खेला वहां पर कल्पेश ने चार रन। बिल्कुल क्या मुकाबला देखा इसके पहले का हमने बी इंडियन और पायनियर स्पोर्ट्स के बीच। और इस बार फिर से लंबा हिट लेना चाहते थे वहां पर बिलाल कारपेट के सारे गेंद जाती हुई एक रन। तो यहाँ पर गेंदबाज जो कल्पेश है उसकी तारीफ करना होगी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करना होगी पहले ओवर में और पावर प्ले में। और इस बार कल्पेश बबलू बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट की जानिब गेंद वन बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला कल्पेश बबलू ने नौ रन। प्रिंस मूवीज और महेंद्र स्पोर्ट्स के बीच और इस बार फिर से लंबा हिट लेना चाहते थे घूमकर खेलते हुए वहां पर लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए वहां पर कल्पेश एक ओवर की समाप्ति पर नौ रन। तो एक ओवर की समाप्ति पर नौ रन कल्पेश कहना हो पहला ओवर बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त किया मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ इस वक्त। तो फेमस ट्रॉफी और फेमस होती हुई जिसे ऑर्गेनाइज किया आजिम खान फारूक मुन्ना साहबा मोमिन नफीस अंसारी और इमरान मोमिन। बिल्कुल और इस टूर्नामेंट को जो कामयाब बनाने के लिए सपोर्ट किया है इरशाद भाई आतिफ खान शरीफ निर्बान जावेद निर्बान अयाज शेख दिलशाद सैयद और फहीम अंसारी। तो मोहित दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे बिलाल। बिल्कुल पांचवा ओवर के मुकाबले है पांच पांच ओवर का मुकाबला एक ओवर मैंडेटरी पावर प्ले और एक ओवर बैटिंग पावर प्ले और 25 मिनट का समय इस बात का ध्यान रखिए प्रिंस मूवीज समय में सहयोग करें। मोहित दूसरा ओवर लेकर आते हुए इस वक्त प्रिंस मूवीज की जानिब से सामना करेंगे बिलाल एक ओवर की समाप्ति पर जहां नौ रन बने और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बिलाल के बल्ले से आता हुआ
13 रन, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। होफोली की गेंद थी और खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पौंडी के बाद 4 रन। काफी फॉर्म में ये भी बैट्समैन इस ट्रॉफी में एक अलग अंदाज नजर आ रहा है बिलाल का, सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल, शायद यहाँ पर बिलाल एक अच्छे बल्लेबाज है उसे मुजाहरा करते हुए। और इस बार फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल दिया है पर 6 रन के लिए। बिल्कुल देखा शायद आपने किस तरह का स्ट्रोक खेला, बिल्कुल टाइमिंग के बलबूते पे ये स्ट्रोक खेला है। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया कैच वहां पर मोहम्मद का। उन्नीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस वक्त बिलाल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाज मोहित अब तक 2 गेंदे फेंकी और 10 रन खर्च किए। एक बार फिर से जबरदस्त बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद थी, केवल टाइमिंग के बलबूते पे यहाँ पर स्ट्रोक लगाया मोहित। एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन इस बार 4 रन के लिए वन बॉस में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर हम देख रहे हैं मजर बिलाल की। बहुत महंगा ओवर चलता हुआ इस वक्त प्रिंस मूवीज की ओर से मोहन का। एक बार फिर से, लेकिन वहां पर बहुत दूर का फासला तय किया खिलाड़ी ने और इसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके बिलाल। 2 रन है इस गेंद पर, इस 2 रन की मदद से स्कोर 25 रन। दूसरे ओवर में एक अच्छी पोजीशन पर दिखते हुए महेंद्र स्पोर्ट्स। श्रोताओं आप पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहां पर देख रहे हैं महेंद्र स्पोर्ट्स बनाम प्रिंस मूवीज। मोहित बहुत ही महंगे साबित होते हो अब। इस बार रिवर्स स्वीप, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी एक बार फिर से बिलाल बताते हुए कि वो क्यों किंग ऑफ भिवंडी है। 29 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, पहला स्ट्रोक कवर बाउंड्री के बाद, दूसरा स्लॉग, तीसरा स्लॉग, चौथा रिवर्स, क्लास देखिए जबरदस्त। और एक बार फिर से रिवर्स स्वीप, बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त बिलाल करते हुए। एक और बाउंड्री और कुल मिलाकर स्कोर 33 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, 2 ओवर की समाप्ति, 33 रन, जबकि हमने देखा पहले ओवर में सिर्फ 9 रन बने थे, साहब आप उन्हें बता रहे थे। अब दूसरे ओवर में अगर हम देखते हैं तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। एक चीज है यहाँ पर मजर के पावर प्ले में जो क्षमता है बिलाल में वो हमने देखी, आपने देखा कि जैसी गेंद वैसी नसीहत, जबरदस्त बल्लेबाजी हम कह सकते हैं यहाँ पर, स्कोर भी बहुत बढ़िया। बिल्कुल, शायद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है पिछले ओवर में और गेंदबाज मोहित ने कुल मिलाकर 24 रन खर्च किए। 2 ओवर की समाप्ति पर 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो दूसरा ओवर इस वक्त खत्म हुआ और यहाँ पर हम देख रहे महेंद्र स्पोर्ट्स एक अच्छी पोजीशन पर दिखती हुई। बिलाल और कल्पेश बबलू एक अच्छी शुरुआत दे चुकी है। प्रिंस
फिल्म मूवीज प्लीज समय के मामले में आपको सहयोग करना है। तो इस वक्त कल्पेश को कंटिन्यू रखा है वहां पर प्रिंस मूवीज के कैप्टन ने। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे कल्पेश ने, लेकिन अब देखना है कल्पेश बबलू और बिलाल किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कल्पेश बबलू के बल्ले से इस बार आता हुआ, बेहतरीन स्ट्रोक। और एक बार फिर से कल्पेश अब अपना रन दिखाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। अब 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लग चुकी है शायद, और अब तक छक्के की हैट्रिक नहीं होती, लेकिन पिछले मुकाबला हमने देखा था फुरकान काजी ने वो भी कर दिया, लेकिन अब देखना कल्पेश बबलू कर पाते हैं नहीं। छक्कों के हैट्रिक पर है बबलू, अब देखना है यहाँ पर छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हैं। काफी ज्यादा शॉर्ट गेंद थी वहां पर, खराब गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए बबलू जबरदस्त बल्लेबाजी। महेंद्र अब अपने रंग में क्रिकेट खेलते हुए इस ट्रॉफी में, जिस तरीके से पीछे रही थी पिछले साल, एक नंबर की टीम थी मजर। और एक बार फिर से देखना है वहां पर 6 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर विलास यादव का, जबरदस्त बल्लेबाजी हम कहेंगे यहाँ पर। छक्कों की हैट्रिक यहाँ पर पूरी की बबलू ने और जबरदस्त बल्लेबाजी। स्कोर अगर हम देखते हैं तो अब बहुत बढ़िया 51-50 रन भी यहाँ पर महेंद्र के पूरे हुए, और अब दोनों ही बैट्समैन अपने रन में बल्लेबाजी करते हुए। और एक बार फिर से देखना है कल्पेश, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, आउट हो जाएंगे और आउट होकर वापस आते हुए, लेकिन आउट होने से पहले अपना काम कर वापस जाते हैं। बिल्कुल, ये तो काफी ज्यादा शॉर्ट गेंद थी वहां पर, मिड विकेट में खेला जाते गेंद काफी ऊपर चढ़ गई, अब हमने आउट होकर वापस जाते हुए। हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक हमने देखी। अब देखना है यहाँ पर गैसुद्दीन आए, दोनों ही भाई क्रीज पर। और इस बार बैट का लिविंग एज विकेट कीपर प्रथम है इसके सेफ हाथों में जाते हुए, एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त महेंद्र स्पोर्ट्स का, बिलाल भी वापस लौटते हुए। बिल्कुल, जैसे ही बड़े में आए छोटे में आउट होकर वापस चले गए, 27 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस लौटे बिलाल। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करना होगी शायद, बैक टू बैक अब 2 विकेट हासिल करते हुए और अब हैट्रिक पर भी है। पिछली 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाए थे कल्पेश ने और उसके बाद 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लिए, अब विकेटों की हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज। बिल्कुल,
एसपी दापोड़े के कैप्टन और भिवंडी टाइगर के कैप्टन। और इस बार सम्मान देते हुए खेला इस गेंद को सचिन गायकवाड़ ने। एक रन आया इस गेंद पर, इस एक रन की मदद से स्कोर 52 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 52 रन। तब बचे हुए 2 ओवर में महेंद्र स्पोर्ट्स के बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे और प्रिंस मूवीज के गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये सब कुछ लेखा जोखा बताएंगे कमेंट्री की जान और जानवी की जान शाहिद खान। थैंक यू मजर खान। 3 ओवर का खेल अभी भी बचा है, देखना है यहाँ पर। 3 ओवर का खेल हो चुका है, 2 ओवर का खेल बचा है, 5 ओवर का मुकाबला है। जबरदस्त बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, समय में सहयोग करें प्रिंस मूवीज प्लीज। 5-5 ओवर का मुकाबला है, अब चौथे ओवर के लिए देखना है कौन से गेंदबाज को मोर्चे पे लगाते हैं। एक चीज है मजर, यहाँ पर आपने देखा कि बिलाल शेख ने बहुत अच्छी शुरुआत दी, उसके बाद बबलू भी अच्छी बल्लेबाजी की। अब मिडल ऑर्डर की बारी है, कैसुद्दीन नॉन स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर सचिन गायकवाड कैप्टन। देखना है किस तरीके से ये दो बैट्समैन खेलते हैं, दोनों ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, दोनों ही ऐसे आकर्षक स्ट्रोक लगाते हैं जो काफी दिलचस्प होते हैं। लेकिन देखना है क्या आज फिर से गैसुद्दीन का वही अंदाज होता है। सुबह में हमने देखा कि गैसुद्दीन ने जो सिक्सर लगाया था वो सीधा वीआईपी डाइस के ऊपर से पीछे सिक्सर लगाया था उन्होंने, और वो जब भी अपने लय में बल्लेबाजी करते हैं तो उनके स्ट्रोक देखने के लायक रहते हैं। सचिन जब अपने स्ट्रोक खेलते हैं तो गेंदें काफी लंबी जाती है। तीसरा ओवर लेकर ऋषभ, हाफ वॉली की गेंद, ये देखिए आसमानी टोला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आउट हो गए सचिन गायकवाड। चौथे ओवर का ऐसा खेल चलता हुआ सचिन गायकवाड आउट होके जाते हुए अब आ रहे हैं पप्पया खारिक, हिज अ मैन इन फॉर्म। देखना है अब यहाँ पर स्ट्राइक गैसुद्दीन के पास, 11 गेंदें बची है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन स्कोर अगर हम देखते हैं तो 52 रन। बिलाल शेख आउट हुए, 27 रन बनाकर 24 रन बनाए यहाँ पर कल्पेश ने। यस शाहिद खान, हम देखते हैं तो बिलाल शेख बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 27-24 कल्पेश ने, लेकिन उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई है। अगली दो टीमों को मैं आवाज देना चाहूंगा, भिवंडी टाइगर्स विलासार फैम टीम और करण पाटिल फैम टीम एसपी दापोडे। ऋषभ रिवर्स स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन खेल दिया, गैप में गेंद जा रही है इस वक्त, 1 रन मिला, 2 रन के लिए निकल पड़े और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए 2 रन से स्कोर अगर हम देखते हैं तो 54 रन, 54 लॉस ऑफ 3 विकेट महेंद्र स्पोर्ट्स। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला हम देख रहे हैं, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भिवंडी टाइगर और एसपी स्पोर्ट दापोड़े के बीच। ऋषभ इस बीच अगेन ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, थोड़ी सी खेलने की कोशिश भी की लेकिन वाइट का इशारा अंपायर का। हालांकि बल्ला जरूर चला दिया था वहां पर गैसुद्दीन शेख ने, वो जो कहते हैं कि लगा तो मटका नहीं तो झटका। एक चीज है यहाँ पर कि महेंद्र का जो खेल बाबे से रहा है इस ट्रॉफी में वो लाजवाब रहा है, एक कंप्लीट साइट यहाँ पर खेल रही है। इस बीच रिवर्स स्ट्रोक लेकिन हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन बना, दूसरे का कॉल, खतरा हो सकता है। प्रथमेश पाटिल के हाथों में गेंद देरी से आई लेकिन 2 रन पूरे किए गैसुद्दीन ने। चौथा ओवर चल रहा है और अच्छा टोटल बना लिया है यहाँ पर महेंद्र स्पोर्ट्स ने। आज शाम का आखिरी मैच होने जा रहा है भिवंडी टाइगर्स और एसपी दापोटे के बीच में, 5-5 ओवर का वो भी मुकाबला रहेगा जो पायदान नंबर 6 है, सेकंड क्वार्टर फाइनल। इस बीच गेंद लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, वहां पर गेंद शरीर से उलझ कर गई, डॉट गेंद। यस कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उस गेंद को स्वंग करना चाहते थे गैसुद्दीन शेख, गेंद उनके बॉडी पे लगती हुई, कोई रन नहीं। बिल्कुल बाबे सर इस वक्त अगर हम देख रहे हैं तो इतने कॉन्फिडेंट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे गैसुद्दीन,
जिस तरीके से बिलाल ने की, जिस तरीके से कल्पेश ने की, ऋषभ अच्छा ओवर चलता हुआ, इसमें फिर से ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर रखा वाइट बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में गेंद बढ़ता हुआ। ऋषभ बहुत लंबा ओवर कर रहे हैं, इस ओवर में काफी वाइड गेंदे कर चुके हैं। स्कोर अगर हम देखते हैं तो 58 रन हुआ है। तीसरे ओवर की समाप्ति का हमने देखा था जो टोटल था, अब चौथे ओवर में थोड़ा सा स्कोर थम सा गया है, लेकिन देखना है महिंद्रा के पास भी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी है जिसमें राजू बोगा है, गैसुद्दीन है, हरीश है। बहुत अच्छी गेंद इस वक्त सम्मान देते हुए खेला, कारपेट के सारे स्ट्राइक को रोटेट किया, एक रन स्कोर में और बढ़ता हुआ स्कोर 59। लॉस ऑफ 3 विकेट महिंद्रा स्पोर्ट्स। ऋषभ ट्रिपल पे खारिक, फुल टॉस गेंद, नो बॉल बीमर, और गेंद देखना है अंपायर के इशारे का इंतजार, 6 रन। शाहिद खान एक तो बीमर गेंद, उस पे से सिक्सर लगा, मानो ऐसा है कि करेला नीम पर चढ़ गया हूं। 7 रन का तोहफा यहां पर प्रिंस मेविस देती हुई, स्कोर अब 66 रन। बाबे सर हम कह सकते हैं कि जबरदस्त बल्लेबाजी महिंद्रा स्पोर्ट्स की। पप्पया खारिक इस वक्त छक्के से खाता खोलते हुए, ऋषभ फ्री हिट, इस बीच ये लॉफ किया है, गेंद देखता है मैदान के बाहर, 6 रन। यस शाहिद खान पिछले साल का क्रिकेट उठा के देखिए, पप्पया खारिक कैप्टन थे, इसी तरह 2-5 गेंदे खेलते थे और अपना काम पूरा करते थे, वही कुछ वो यहाँ भी कर रहे हैं। 72 रन, खतरे की घंटी बज चुकी है अब प्रिंस मोविस के लिए। बिल्कुल, 4 ओवर की समाप्ति, 72 रन हुए बाबे सर, और आखिरी ओवर का खेल बचा है। ये आप देख सकते हैं हमारे कॉमेंटेटर मजहर खान के दोनों लड़कों को, उमेर खान और मिजान खान अपने चचा के गोद में, अबुजर खान के गोद में हमारे कमेंटेटर मजर खान के दोनों सपूतों को आप देख सकते हैं। इरशाद अंसारी, नदीम शेख और फेमस के चेयरमैन इरशाद अंसारी, जकी अंसारी हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर, शकील भाई, सैयद साहब, सभी का इस्तकबाल है फेमस ट्रॉफी 2018 में। इस बीच अगेन खड़ी हो गई, अगेन आसमान में देखना है मौका वहां पर, और क्या छूटता हुआ परतमेशिया, तो दूसरे का कॉल गैसुद्दीन का और 2 रन पूरे होते हुए। गैसुद्दीन वहां पर बाबे सर उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे कॉन्फिडेंस से, दो रन पूरे होते हुए। आसान सा कैच था वो, जो कहते हैं कि गैसुद्दीन की छुट्टी डिक्लेयर थी लेकिन इमरजेंसी सर्विस के लिए दोबारा उनको वापस बुलाया। विशाल टू गैसुद्दीन, हाफ अली की गेंद लॉफ किया, फिर से गेंद हवा में, 1 रन बना, दूसरे का कॉल यहां पर और 2 रन पूरे।
विशाल फिर से लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, फिर से गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं और डायरेक्ट अपना विकेट बलिदान कर दिया अफर गैसुद्दीन ने। पहली बार बिल्कुल एक चीज है, बिल्कुल एक चीज है यहां पर वापस सर कि पहली बार इतने बेबस नजर आए गैसुद्दीन, यहां पर अपना विकेट उन्होंने फेंक दिया। बहुत जल्दी आपको ये ओवर को कंप्लीट करना है क्योंकि टॉस होने जा रहा है दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले का और पायदान नंबर चार चार ओवर का आखिरी मुकाबला भिवंडी टाइगर्स और एसपी दापोटे के बीच में। इस बीच लॉफ किया है, देखना है वहां पर दूसरे के लिए निकल पड़े दो रन पूरे, स्कोर इस दो रन से बढ़ता हुआ 78 रन। विशाल बाबे सर एक अच्छे गेंदबाज है, पावर प्ले में गेंदबाजी करते थे लेकिन आज उन्होंने आखिरी ओवर के लिए गेंद हाथ में ली है। विशाल इस बीच गए लाफ किया पपिया ने लंबा सिक्सर 6 रन, जबरदस्त बल्लेबाजी हम कहेंगे यहां पर बाबे सर पपिया की, गेंदबाज को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरह खेल रहे हैं। ये देखिए पहले रिवर्स खेलने की कोशिश फिर उछाल दिया, मानो गेंदबाजी से नहीं गेंदबाज की भावनाओं से खेल रहे, गजब का शॉट। बिल्कुल स्कोर अगर हम देखते हैं तो 84 84 रन हुए बाबे सर, एक अच्छे लंबे स्कोर की तरफ बढ़ती महेंद्र और महेंद्र वही महेंद्र नजर आ रही जो पिछले साल थी पहली मर्तबा एमजे ट्रॉफी के बाद। फिर से लॉफ किया, ओहो ये तो और लंबा सिक्सर है पप्या खारिक ने, जबरदस्त बल्लेबाजी की तो कुल मिलाकर यहां पर रन बने हैं 91 रनों की चुनौती रखी है यहाँ पर महिंद्रा ने। महिंद्रा तुरंत अपना फील्ड सजाए, महिंद्रा आपको हमें कॉपरेट करना है, मयूर पाटिल आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है, भिवंडी टाइगर्स दोनों टीमों को रुकना है, जाना नहीं है भिवंडी टाइगर्स और दापोटे। प्लीज मूवीज ओपनर भेजे प्लीज, प्लीज मूवीज के दोनों ओपनर्स प्रशांत पाटिल ऑनलाइन मैन इस वक्त बैटिंग लाइन में ऊपर जाते हुए और सागर ठाकरे उनके साथ आते हुए
लक्ष्य जो 5 ओवर में रखा है 51 रनों का है। गैसुद्दीन काफी कॉपरेट करने के लिए इस वक्त तैयार है क्योंकि इसके बाद एक मुकाबला और खेला जाना है। 27 रन बनाए किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ने, 24 बनाए कल्पेश बबलू ने, 9 रन बनाए गैसुद्दीन ने, 1 रन बनाया सचिन गायकवाड़ ने, पपिया खारिक शॉर्ट पॉकेट डायनामाइट बारी खेली 26 रन। प्रथमेश पाटिल और सागर ठाकरे दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर। समय में सहयोग करें, महेंद्र स्पोर्ट्स थोड़ा सा फास्ट करें प्लीज, एक और मुकाबला इसके बाद खिलाना है। इज गोइंग टू बी गैसुद्दीन ओपन द बॉलिंग अटैक फेसिंग हिम प्रथमेश पाटिल। 91 the target in front of Prince Movies. This time try to pull it, leaving edge. Fine delivery, sharp incoming, extra bounce is there. But this is the good news for Prince Movies. They qualify for the quarter final of famous trophy. Here goes Gyasuddin. Goes to Parthamesh who flash is quite drive, thick outside edge, rose to gully with the stroke. Batsman threw for one. Prathamesh Patil off the mark with single. 1 for no wicket. Gyasuddin. Ball this time, pull and powerful. What a shot from Sagar Thakre for 6. बिल्कुल भावे सर, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला सागर ठाकरे ने। जैसे देखा गेंद उनके तरफ आ रही, छोटी गेंद थी और उसको पुल कर दिया, पुल और सक्सेसफुल 6 रन है इस गेंद पर। ब्यूटीफुल स्ट्रोक इंडीड, शॉट गोज इज बैक फुट 10, लुक एट दैट, नाइस बॉडी बैलेंस इनसाइड द लाइन, पुल्स इट नाइसली 6 रन। गैसुद्दीन ball this time, another pull, should be a 6, yes it is, and I think Sagar Thakre frees his arms and positive reply to Mahendra and Gyasuddin. बिल्कुल भाभे सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देते हुए प्रिंस मूवीज, टिक फॉर अटैक जैसे को तैसा, एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी इस वक्त प्रिंस मूवीज को। हर्षल Shivari from Karbaon, all the best for Prince Movies and all is well in 3 balls, 4 balls so far, 13 runs. नब्बे रन का इस वक्त, 91 रन का इस वक्त पीछा करती हुई प्रिंस मूवीज, और बहुत ही अच्छा जवाब यहां पर कहना होगा सागर। सागर ठाकरे freeze his arms, 2 consecutive sixes. His score is 13 without loss. Here goes Gyasuddin Sheikh. प्रथमेश पाटिल चेक दी बॉल, गैसुद्दीन रीच इज बॉलिंग मार्क, टर्न फ्रॉम वीआईपी एंड, फेसिंग इन बैट्समैन सागर, दिस टाइम पुट अवे इन फ्रंट ऑफ हिज लेग, बिलाल शेख इज देयर एंड कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल इज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम सागर ठाकरे, ही मूव्स अप टू 16 एंड 17 फॉर नो विकेट, very expensive ball, look at that, tucked away in the air, awkward bounce, overhead of Bilal for 4. बिल्कुल भावे सर, एक बहुत ही महंगा ओवर, कुल मिलाकर 17 रन अब तक आए। Here we go, this time in cutter, should be a wide, yes it is.
गैसुद्दीन अपने पहले ओवर में कहीं ना कहीं अब महंगे साबित होते हुए जम के खबर लेते हुए वहां पर सागर। दिस टाइम मल्टी ब्लो सिक्स रन्स, व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम प्रिंस मूवीज एंड सागर ठाकरे, एंड व्हाट अ एक्सपेंसिव टर्न फ्रॉम गैसुद्दीन शेख हु गिवन वे 23 रन्स। एक ओवर में 24 धो डाला। बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर जम के खबर लिए सागर ठाकरे ने। नहीं, इस तरह की किसी की भी गेंदबाज की धुलाई हुई तो हम कह सकते हैं सभी डिटर्जेंट पाउडर यूज किए उन्होंने, चाहे टाइड हो, सर्फ एक्सेल हो, निर्मा हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करना हुई सागर ठाकरे ने, बहुत बड़ा लक्ष्य है उनके पास और उसी तरह की बल्लेबाजी, जिस तरह की बल्लेबाजी की शुरुआत चाहिए थी उसी तरह की शुरुआत मिलती हुई अब प्रिंस मूवीज को। नहीं, कभी भी आपको अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आप पारी के चोटी पे खड़े हैं और कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता है। महिंद्रा स्पोर्ट्स प्लीज समय के मामले सहयोग करना है, इसके बाद भी एक मैच और है तो प्लीज। सुरेश पारदी को गेंदबाजी दी गई है, सामना करेंगे बैट्समैन प्रथमेश पाटिल। अब सागर ने तो अच्छी बल्लेबाजी की है, पाटिल क्या करते हैं, क्या समबडी प्ले एंकर रोल। सुरेश पारदी दूसरा ओवर लेकर आते हुए, पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आ रहे हैं, हाजी समत सेट स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। तीन खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं, पंकज विशाल की जगह फील्डिंग कर रहे हैं। पारदी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा गेंद को चिप की हवा में बिलाल शेख नीचे, प्रथमेश पाटिल का कैच छूटा। ये जीवनदान महंगा पड़ सकता है क्योंकि पिछले मैच में ऑनलाइन मैन ने बल्लेबाजी की ऑनलाइन में 30 रन बनाए थे। पारदी सागर को बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली, क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे। पच्चीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से पहली मरतबा इस सीजन में प्रिंस मूवीज शाम में खेल रही है, वरना इनका मैच तो सुबह ही लगता है। इस मरतबा बिलाल शेख नहीं छोड़ेंगे, यस आउट हो गए वहां पर सागर ठाकरे। अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। विशाल, जरूरत भी विशाल स्ट्रोक की है, 25 रन बिना किसी विकेट के। एक विकेट गंवाने के बाद इस वक्त प्रिंस मूवीज 25 रन। सागर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर वापस लौटे हैं। डिपेंड करता है प्रथमेश पाटिल पे कि वो कितने रन बनाते हैं। लंबा हिट लेने की कोशिश, पैरों से टकराई, सवाल पूछा, गेंद को डिपिश गली में उठाया फील्डर ने, एक रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे पहुंचा है एक विकेट गंवाने के बाद, 26 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। बढ़िया गेंद, काफी घुमाव था, टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब कटी थी, कोई रन नहीं। अंधेरे में तीर चला दिया था बल्लेबाज ने। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आ रहे हैं
बार्दी स्मर दबाव फ्लिक करते हुए ऑफिस हिप्स पैरों के सामने सचिन गायकॉट के पास एक रन 27 पे पहुंचा स्कोर। दो ओवर की समाप्ति, बचे हुए तीन ओवर की कहानी मजर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी सर, तुम यहाँ पर देख रहे बहुत ही अच्छा रिप्लाई देते हुए प्रिंस मूवीज के बल्लेबाज। दो ओवर की समाप्ति पर 27 रन। अब 18 गेंदे और रन चाहिए 64, लेकिन गेंदबाजी के लिए अब राजू बोगा, विशाल और प्रथमेश। देखने अब 18 गेंदे बची है, किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। फेमस ट्रॉफी 2018, बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग टीम अजीम खान, इमरान मोमिन, साहबा मोमिन, नफीस अंसारी, फारूक मुन्ना, इरशाद अंसारी, आतिफ खान, शरीफ निर्बान, जावेद निर्बान, अयाज शेख, दिलशाद सैयद और फहीम अंसारी। तीसरा ओवर लेकर आते हुए इस बीच राजू बोगा, सामना करेंगे विशाल। पहली गेंद राजू की, बहुत ही बेहतरीन गेंद, विशाल की पारी समाप्त होती हुई, एक और विकेट गिरती हुई इस वक्त। स्विंगिंग यॉर्कर किया था वहां पे राजू बोगा ने, बहुत खूबसूरत गेंद थी, विकेटों के सामने पाए गए थे बैट्समैन राजू बोगा। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा ओपिनियन मुझे दिया था कि वो अपनी गेंदबाजी से इसलिए सेटिस्फाई नहीं है कि अभी तक उतनी प्रैक्टिस में नहीं है और टीम के लिए उतना वो कुछ कर नहीं रहे एक बड़े खिलाड़ी की। देखे राउंड आर्म गेंद, वसीम अकरम जिस तरह गेंद करते थे रिप्ले में साफ दिख रहा है कि राउंड आर्म गेंद की थी राजू बोगा ने, जिस तरह वसीम अकरम करते थे। बिल्कुल भाभी सर, जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहते पिछले मुकाबले के, लेकिन उसके बाद भी बड़े खिलाड़ी है ये कहते हुए कि अपनी गेंदबाजी से सेटिस्फाई नहीं है, मुतमईन नहीं है। राजू बोगा एक बार फिर से, और जयेश आते ही साथ अपने इरादे को जाहिर करना चाहते थे, कारपेट के सारे गेंद जाते हुए, थोड़ी सी वहां पर गेंद फंबल होती हुई और उसका फायदा उठाते हुए दो रन के लिए। अच्छा ड्राइव किया था पैरों के सामने ऑफ वाली पे लेकर, लेकिन अब मंजिल दूर नजर आती हुई, शुरुआत बहुत अच्छी की थी वहां पर सागर ठाकरे ने, लेकिन कहीं ना कहीं आज तो ऐसा लग रहा है कि इस मैच में गैसुद्दीन शेख का मूड ही नहीं है। पंकज नीचे आउट, बढ़िया कैच, मूड तो आपका होना चाहिए क्रिकेट में, वो अलग बात है कि भाग्यश्री ने मैंने प्यार किया मैं कहा हूं कि मूड नहीं है, लेकिन क्रिकेट में आपका मूड होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से पुल खेलाता वहां पर सीधा फील्डर के हाथ में, तीन विकेट गंवाने के बाद प्रिंस मूवीज। राजू बोगा लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे। यस, छठा विकेट हासिल किया है उन्होंने, जबकि एक मैच नहीं खेल पाए हैं अभी तक वो। बढ़िया गेंद आगे रखा था बीटवे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस वक्त राजू बोगा करते हुए, डॉट गेंद, और कहीं ना कहीं अब प्रिंस मूवीज इस मैच बहुत ही दूर जाती हुई। और इस बार बेहतरीन गेंद, एक और विकेट राजू बोगा के खातों में आती हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शेर के मुंह को खून लग गया, जिस तरह विकेटों की खुराक हासिल कर रहे राजू बोगा, सातवां विकेट
दूसरा मैच खेल रहे, क्या गेंदबाजी कर रहे, भूल भुलैया। और ये जब फॉर्म में रहते हैं तो मैं कहता हूं बाउंडर ऑफ भिवंडी इनको कहता हूं, ये देखिए किस तरह से लगातार राउंड आप गेंदे कर रहे हो, बैट्समैन पढ़ ही नहीं पा रहे। मैं अक्सर कहता हूं कि राजू बोगा की गेंदबाजी इब्ने सफी के नावल की तरह सस्पेंड रहती है कि आगे क्या, अगली गेंद कौन सी होंगी। 29 चार विकेट गंवाने के बाद प्रिंस मूवीज प्रथमेश भी आउट होकर वापस जा चुके। इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, एक और डॉट गेंद, तो 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन, 4 विकेट गंवाने के बाद। महिंद्रा स्पोर्ट थोड़ा सा हमें कॉपरेट करे समय में। अगला टॉस होने जा रहा है भिवंडी टाइगर्स और एसपी दापोटे के बीच में। ये देखिए कट करने की कोशिश की थी दूर से, अच्छा कलेक्शन विकेटों के पीछे। बैटिंग पावर पे ले लिया गया है, हरेश पाटिल को भी बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी पे बुलाया जाता है। तो चौथा ओवर लेकर आते हुए इस वक्त बैटिंग पावर प्ले में हरेश पाटिल। पहली गेंद वहां पर देखना, एक बार फिर से बिलाल मौजूद है और बिल्कुल सेफ हाथों में लैंडिंग होती हुई। एक और विकेट जाता हुआ इस वक्त प्रिंस मूवीज का। प्रिंस मूवीज अपने बल्लेबाज को थोड़ा जल्दी भेजे। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को खेला था अक्रॉस द लाइन। टॉस हो रहा है दोनों टीमों के बीच में फरुख मुन्ना के हाथों से। 5-5 ओवर का मुकाबला रहेगा लेकिन दोनों टीमें काफी कॉपरेट करें। अगर 25 मिनट में वो कोटा पूरा करते हैं तो ये मैच होकर रहेगा। देखना है टॉस को किसने जीता है। भिवंडी टाइगर ने और पहले अभी तक उनका फैसला नहीं। इस मरतबा कट किया बहुत ही खूबसूरती के साथ इनफील्ड के ऊपर से, गेंद का पीछा कर रहे हैं खिलाड़ी, अब जाकर रोका है उन्होंने लेकिन 2 रन बना लिया बैट्समैन ने। 31 पे पहुंचा है स्कोर। बिल्कुल अगला मुकाबला हम देखेंगे भिवंडी टाइगर्स और एसपी दापोले के बीच। जब भिवंडी टाइगर्स ने टॉस जीतकर अपना डिसीजन इस वक्त पेंडिंग में रखा हुआ है। इस बार बेहतरीन गेंद वहां पर विकेटों के बीच में रखा था, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज का, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए 1 रन पूरा किया इस गेंद पर। 32 रन 5 विकेट गंवाने के बाद प्रिंस मूवीज। इसके बाद भिवंडी टाइगर्स ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मरतबा बहुत दूर किया था, देखना है क्या कुछ हुआ है। व्हाइट के 2 रन मिलते हुए, तो व्हाइट का इशारा आता हुआ 1+1 2 रन, 2 रन है इस गेंद पर। इस 2 रन की मदद से स्कोर 34 रन। हरेश पाटिल इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, धीमे बल्ले से खेला वहां पर और 1 रन पूरा किया। बिल्कुल पीछे हटे थे वहां पर और लेट कट किया था लेकिन गेंद सीधी ट्रेवल करती भी। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद 1 ओवर और बचा है। स्मर्दवा हुक कर दिया गेंद को स्टैंड में, 6 रन। बहुत देर के बाद अब बड़ा हिट आता हुआ और सिक्सर के साथ तेजी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। और इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे वहां पर, एक बार फिर से व्हाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर आशीष का। 42 रन। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, विकेट के ऊपर से निकल गई ये गेंद। 4 ओवर की समाप्ति 42 रन। महेंद्रा 1 ओवर आपको 3 मिनट में करना है प्लीज। राजू बोगा को कंटिन्यू रखा है जिन्होंने 3 विकेट लिए।
राजू बोगा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन। इस मरतबा चाइनीज कट लगा था, शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, छोटी गेंद नहीं थी, रन पूरा होता हुआ। कुल स्कोर 43 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। प्रिंस मोविस को मुकाबला हारने के लिए 5 गेंदें बची। बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फिर से राउंड ऑफ गेंद थी, लिफ्ट कर दिया गया इनको 6 रन। बोगा को करारा जवाब बल्लेबाज का। मयूर ने इस गेंद को लिफ्ट कर दिया था मिड विकेट के ऊपर 6 रन। स्कोर 49 रन। लेकिन प्रिंस मोविस के लिए फेमस ट्रॉफी टेलीकास्ट में भी फेमस का कारण बन रही है और खेल में भी, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में वो पहुंचे थे। देखना है महिंद्रा पहली टीम बनने जा रही है जो सेमीफाइनल में पहुंच रही। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर वाइड। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए सामना करेंगे मयूर। इस मरतबा आंखें बंद करके शॉट को खेला था। अपील वहां पर, बोगा का निशाना ठिकाने पे लगता हुआ, बैट्समैन रन आउट। मैच के समाप्ति के तुरंत बाद एसपी दापोडे आपको अपना फील्ड सजाना है। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, मयूर को बोल्ड अराउंड लेग्स, चौथी विकेट राजू बोगा के खाते में। और कुल मिलाकर 2 मैच में 8 विकेट अब तक ले चुके हैं। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। इस सीजन का बेस्ट बॉलिंग फिगर नवाब स्पोर्ट के सलाउद्दीन के नाम है। 2 ओवर 8 रन और 6 विकेट हाजी ट्रॉफी में। बोगा नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए रोशन कल्पेश, टीम के कैप्टन। बोगा के सामने लंबा हिट लेने की कोशिश, ये थ्रो बच गया वहां पर, 1 रन। आखिरी गेंद है राजू बोगा की। बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, आखिरी गेंद। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है आज की शाम एमएलए रुपेश मात्रे, संजय मात्रे और महिंद्रा स्पोर्ट्स के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशन महिंद्रा स्पोर्ट एंड सचिन गायकॉट द कैप्टन। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। 27 रन बनाए बिलाल शेख, आपको आना है मैच के लिए। आइए बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट मैन ऑफ द मैच। और अंपायर्स को अंदर जाना है, मैच की शुरुआत करना है। भिवंडी टाइगर्स आपको अपने ओपनर्स भेजना है। आइए हम बिलाल शेख आपको मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। वेल प्लेड 27 रन्स, गुड ओपनिंग स्टैंड विथ कल्पेश बबलू। नदीम शेख इस वक्त आपको रिस्ट वॉल वॉच देंगे।
इमरान शेख स्पॉन्सर अफजल बल्ला आपको जिल्लू भाई अयुब भाई की मिठाई दे।